दोस्तों, आपने बबून का नाम तो सुना ही होगा। वही बबून जो भालू के जैसा दिखता है और बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। बबून को हमने दूसरे जानवरों के साथ मस्ती करते भी देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई दूध का थुला नहीं होता है। ये भी उतना ही खूंखार और शिकारी जानवर है जितना शेर और लेपर्ड। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी अच्छा और समझदार जानवर समझने की कोशिश मत करना। और ये भी बता दूं कि जब ये शिकार करते हैं तो उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। वो जरा भी नहीं सोचते कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि सीधे दिखने वाले बबून रियल लाइफ में कितने खतरनाक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बबून स्टील लायन एंड लेपर्ड कब्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बबून एक चोर है। जी हाँ, चोर का मतलब, ये अक्सर दूसरे जानवरों के बच्चे चुराता है और उसे मार के खा जाता है, और यहाँ तक कि शेर और लेपर्ड के भी बच्चों को चुरा लेता है। अब आप इस वीडियो में देखो जिसमें एक बबून लेपर्ड के बच्चे को उठा लाया है, इस बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ खेल रहा है। यही नहीं, जब भी कोई इस बबून के पास जाने की कोशिश करता है तो ये बबून इस बच्चे को अपने साथ उठाकर वहां से भाग जाता है। अब एक और क्लिप देख लीजिए जिसमें शैतान ने एक शेर के बच्चे को उठा लिया है। मतलब कि बबून को शेर जैसे शिकारी जानवर का भी डर नहीं है, तभी तो इसने उसके बच्चे को चुरा लिया। वीडियो के अंत में वो उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया है और उसके साथ मस्ती कर रहा है। उसके बाद वो एक डाली से दूसरी डाली घूम रहा है, लेकिन उसे शायद पता नहीं है कि अगर शेरनी को पता चल गया तो वो उसकी बैंड बजा देगी। नंबर 2, बबून अटैक्स इम्पाला। दोस्तों, जंगल की दुनिया में ये भी कहा जाता है कि बबून इतना खूंखार होता है कि शेर जैसे खतरनाक जानवर के साथ भी फिरने में देरी नहीं करता। और दोस्तों, मैंने पहले बताया कि वैसे इस बबून को दूसरे जानवर के बच्चे चुराने में ही मजा आता है। अब देखिए इस वीडियो में जिसमें एक बबून ने इम्पाला का बच्चा पकड़ लिया है और वो उसे खाने की फिराक में है। वहीं पर उस बच्चे की माँ भी मौजूद है जो उसे बचाने के लिए उतावली हो रही है, लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आती है तो बबून उसी पर हमला कर उसे वहां से भगा देता है। कुछ कोशिशें करने के बाद इम्पाला को ये समझ आ जाता है कि आज उसके बच्चे का आखिरी दिन है। उसके बाद वो हार मान लेती है। फिर वो बबून उस बेबी इम्पाला के शरीर का मांस खाने लग जाता है। उसी वक्त वहां एक और बबून आ पहुंचता है, जिसे देख पहले तो वो बबून मांस उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके बाद में मांस को वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसे दूसरा बबून अपने साथ ले जाता है। नंबर 3, बबून अटैक्स वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जंगल में अपने नुकीले दांतों और नुकीले नाखूनों के लिए जाना जाने वाला जंगली कुत्ते के हाथ जब कोई शिकार लगता है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर इनका सामना किसी बबून से हो जाए? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में एक सड़क पर कुछ जंगली कुत्ते और कुछ बबून दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं और दोनों की फितरत में शिकार छोड़ना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही कुछ कुत्ते बबून की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कितने में खुद बबून इन पर दौड़ पड़ता है और कुत्ते को वहां से भगा देता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता और जंगली कुत्ते एक बार फिर से झुंड बनाकर बबून की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि बबून किसी के बाप से नहीं डरते। ये बबून फिर से अपनी एक ही ललकार में उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये खेल इसी तरह से चालू रहता है और किसी के हाथ कुछ नहीं आता और सब पतली गली से निकल लेते हैं। नंबर 4, दोस्तों, जंगल की दुनिया में बबून बंदरों से बड़े और खूंखार होते हैं। ये बबून्स का बड़ा मुंह, मजबूत जबड़ा और तेज पंजे इसे खतरनाक बनाते हैं, जिनकी मदद से ये चीता जैसे शिकारी जानवरों से भी नहीं डरते हैं। इस वीडियो में एक चीता पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा है, जिसे देखकर सारे बबून पेड़ से नीचे उतरकर पानी के पास घूमने लगते हैं। ये देखकर चीता हैरान हो जाता है, लेकिन पानी की प्यास ज्यादा होती है तो वो पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि लोग शिकार करने के लिए आए हैं।
तभी वो धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इन शैतानों से बचना मुश्किल है। जैसे ही वो दूर जाने लगता है, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो वो देखने के लिए धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन अचानक से ही अपनी स्पीड को बढ़ा के पतली गली से निकल जाता है। उसे पकड़ने के लिए सारे बबून उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि चीता अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है दोस्तों। नंबर 5, बबून अटैक फ्लैमिंगोस। दोस्तों, इंपाला और गजेल जैसे जानवरों के बच्चों को तो बबून बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि ये जानवर जमीन पर ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसने आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, ये उसे भी पकड़ कर खा जाते हैं। आप देखिए इस वीडियो को, जिसमें बहुत सारे फ्लैमिंगोस पानी के बीच ठंडक और मौसम का मजा लेने में लगे हुए हैं। लेकिन वहां पर कुछ बबून्स भी हैं और वो तालाब के किनारे बैठे हैं। लेकिन अगर बबून्स वहां है तो फ्लैमिंगो के लिए वो एक खतरा है। लेकिन आपको तो पता ही है कि मुसीबत आने का कोई टाइम नहीं होता, वो तो कभी भी कहीं से भी आ सकती है। ठीक वैसा ही यहाँ होता है, जब एक बबून अचानक ही इन फ्लैमिंगो पर अटैक कर देता है। अटैक होते ही सारे फ्लैमिंगो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक की किस्मत फूटी हुई थी जब बबून के हाथ लग जाता है। फिर क्या, अब छूटना मुश्किल है, वो शिकार बन जाता है और दो बबून उसे बैठकर चबा जाते हैं। नंबर 6, बबून अटैक्स गीज एग्स। दोस्तों, इस वीडियो में एक बबून तालाब के बीच से चला रहा है और उसी पर आसपास कई गीज मौजूद हैं। वैसे गीज के बारे में बताऊं तो वो काफी हद तक बतख की तरह नजर आते हैं, लेकिन फर्क उसके साइज का है। गीज बतख से बड़े होते हैं। दोस्तों, पानी में चलते हुए बबून को सामने गीज के अंडे दिख जाते हैं, जिसे दो गीज हिफाजत कर रहे थे। वो उसे खाने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचाने के लिए अपनी चोंच से हमला कर देती है, लेकिन उस चोंच का भी उस पर कोई असर नहीं होता। पास खड़े और भी बबून उसे बचाने की हिम्मत नहीं करते। अब जब इतने सारे पक्षी उस बबून से डर रहे हैं, तो भला ये तो बेचारे भी क्या कर पाते। अंत में वे हार मान कर पीछे हट जाते हैं और बबून बड़े मजे से उन अंडों को खाने लगता है। नंबर 7, बबून अटैक्स चिंपांजी। दोस्तों, अब तक के बबून के हमलों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि अपने शिकार के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। लेकिन क्या होगा जब उसके ही जैसे दिखने वाले चिंपांजी के साथ इसे भिड़ना पड़े, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज बबून का मुकाबला अपनी ही प्रजाति के एक ऐसे ताकतवर जीव चिंपांजी से होने वाला है। देखिए, यहाँ कुछ चिंपांजी और बबून्स बैठे हुए फल खा रहे हैं, लेकिन चिंपांजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि बबून का उसके पास से फल खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और वो एक पल के लिए उसे रोकता है। लेकिन बबून नहीं रुकता, तो एक चिंपांजी उस बबून को डराने के लिए उस पर हमला करने लगता है। पहले तो बबून वहां से भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल फिर से वहां टपकता है और चिंपांजी पर हमले करना शुरू कर देता है। बार बार चिंपांजी पर हमला कर फिर से वो झाड़ियों में भाग जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जंगल में खाने को लेकर कैसी कैसी लड़ाइयां देखने को मिलती हैं दोस्तों। नंबर 8, बबून अटैक्स गजैल। दोस्तों, इस वीडियो में एक बेबी गजैल आराम से जंगल में घूम रहा था कि तभी बबून ने उसे अपना शिकार बना लिया और अपने हाथों में पकड़कर बैठ गया है। वैसे बबून का शिकार बहुत घातक माना जाता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये किस हद तक हैवान हो सकता है, ये आपको इसकी हरकत देखकर समझ आ जाएगा। इस बबून ने बिना रहम के बेबी गजैल की पीठ को ही फाड़ कर उसे खाना शुरू कर दिया है, और वो बच्चा जिंदा दर्द से अपनी चीखें निकालता रहता है। लेकिन उस हैरान बबून को जरा भी दया नहीं आती। दोस्तों, उस बच्चे को बचाने वाला वहां कोई नहीं आने वाला था, और थोड़ी देर बाद वो मौत की नींद सो जाता है और बबून इसे खा जाता है। दोस्तों, आपने देख लिया कि बंदर जैसे दिखने वाले बबून्स बंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर और निडर होते हैं,
वो किसी के साथ लड़ाई करने से डरते नहीं है। क्या आपको इस वीडियो को देखने से पहले पता था दोस्तों कि बबून इतने खतरनाक होते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही लड़ाइयां आपके पास हम जल्दी और पहुंचा सकें। धन्यवाद।